बेटी कैसे लगा लोटस टेम्पल? अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना? हाँ बिल्कुल, खुश रहना हमेशा, ठीक है। अभी हम लोग लोटस टेम्पल गेट से इन हो गया, अभी आपको दिखाएंगे आगे लोटस टेम्पल देखने में कैसा है और अंदर क्या क्या है। जब हम लोग इस लोटस टेम्पल में गया था उस समय दिल्ली में लगभग लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, उसके बाद गया तो काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने के लिए चला गया था, लेकिन उस वक्त हम लोग सबसे लास्ट में शाम के मतलब 5 बजे करीब चला गया था, तो काफ़ी लोग वापस आने लग गया था, तो लेट हो गया था हम लोग। ये लोटस टेम्पल जो मेन गेट से एंट्री होने पर काफ़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ता है आगे की तरफ, और आप देख सकते हैं अभी लोटस टेम्पल के जस्ट पास में हम लोग पहुंच गया, वहाँ पे हमारा भाई लोग ने सेल्फी लेना शुरू हो गया। ओके, आप बोर्ड में देख सकते हैं वहाँ पे टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक था, तो हमने काफ़ी लेट से चला गया था, लेकिन आप लोग जब भी घूमने के लिए आएगा 5 बजने से पहले मतलब लगभग वहाँ पे 1 घंटा तक लगभग आपको घूमने में टाइम लग जाएगा, मतलब पैदल चलने में काफ़ी लंबा जाना पड़ता है, इसलिए आप लोग समय से आ जाइएगा और आराम से इन्जॉय करिएगा जगह को देखते हुए, ठीक है। लोटस टेम्पल का जो एरिया है बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है, वो गार्डन सा बना के रखा हुआ है सभी। अभी सामने आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे लोटस टेम्पल कितना अच्छा है देखने में दूर से। अभी आपको अंदर जाके वहाँ पे ऊपर में जाके आपको बताते हैं कि कैसा है, उसके अंदर क्या है, आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ मैं। अभी लगभग हम लोग पहुँचने वाला है। अभी हम लोग पूरा लोटस टेम्पल का पूरा ऊपर पहुँच गया, और उस लोटस टेम्पल के चारों तरफ तालाब बना के रखा हुआ है, जैसे लोटस पानी में रहता है वैसे ही सेम दिखाने के लिए कोशिश किया उन्होंने, चारों तरफ तालाब छोटा छोटा बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आके यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेता है, देखने में काफ़ी सुंदर है, अगर आप पास में आप देखोगे ना बहुत सुंदर है, वो देख सकते हैं आप, देखो कितना शानदार लग रहा है। और देखो अभी जाते हैं आगे बिल्कुल पास में कि अंदर क्या है आपको दिखाएंगे। अभी बिल्कुल लोटस टेम्पल के अंदर आ गया, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा एक भी खुला हुआ नहीं था, लोग इसलिए टेम्पल के चारों तरफ घूम के ही देख रहा है, लेकिन जैसा जहाज से भी देखो आप सेम वैसे ही है। अभी आप तालाब को देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा साफ पानी है, वो जो पानी के अंदर सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ये सब क्वाइन है, लोग जाके वहाँ पर फेंकता है, वहाँ पर एक टेम्पल के तौर पर उसको भी मानते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर पैसा फेंकते हैं। अभी अंदर क्या है आपको कैमरा की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये एक चार्ज की जैसा है, मतलब एक ये भी एक धर्म स्थल है, तो गिरजा में जैसा होता है कुर्सी वगैरह से बैठने के लिए जो जहाँ पे प्रार्थना करने के लिए वही है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ने पूरा लोटस टेम्पल को पूरा चारों तरफ घूम के देख लिया, चारों तरफ एक जैसा ही है, उसमें आप कहीं से भी देखेगा तो एक जैसा ही है, उधर काफ़ी अच्छा व्यू है, आप ऊपर से जब देखोगे ना वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा लगता है नीचे की तरफ। अभी आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से दिखता है ऊपर से भी। अभी हम लोग सभी एक लिया हुआ था तो सभी को दिखा दिया मैंने।
संग संग सकते मेरा मिसेस और भाई बोल रहा है कि यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकता है। अभी आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ व्यू कितना शानदार है। उधर काफ़ी दूर दूर एरिया तक कोई भी मकान वगैरह कुछ नहीं है, पूरा ये लोटस टेम्पल का एरिया है, उसमें कोई मकान वगैरह नहीं है। काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर रखा है इसमें, लेकिन अच्छा भी है। जो भी टूरिस्ट आपके घूमने के लिए जाता है तो अच्छा से आप वहाँ पर बैठ के भी रेस्ट कर सकता है। ओके अभी हम लोग ने पूरा देख लिया, अभी वापस चलते हैं। लोटस टेम्पल में जाने का रास्ता है, एक ही रास्ता होता है, लेकिन आने वाला रास्ता भी हुई है, जाने वाला रास्ता भी है। और शहर में और साइड में पेड़ जो दिखाई दे रहा है, फल भी है उसमें, वो ऑरेंज का पेड़ है, लेकिन वो खाने वाला ऑरेंज नहीं है, छोटा छोटा ऑरेंज है। मैं नागपुर में भी देखा तो वो खट्टा होता है, इतना मीठा भी नहीं है। और एक बार देख लो, जूम करके दिखाता हूँ आपको पूरा लोटस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है इसको। बेटी कैसा लगा लोटस टेम्पल? अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ बिल्कुल, खुश रहना हमेशा, ठीक है। दोस्तों आप लोग को लोटस टेम्पल कैसा लगा कमेंट्स लिख के भेज देना, और साथ में मेरा चैनल में नया है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे नए नए जगह का वीडियो बना के आप लोग को दिखाता रहूँगा। और आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद दोस्तों।